खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। खबर में सेलिब्रेट किया गया मदर्स डे, कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, लोगों ने मां के प्रति अपने जज्बातों को जाहिर। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले, ब्रह्म मुहूर्त में हुई गणेश और द्वार पूजा, दर्शन करने पहुंचे 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए मतदान कल, 96 सीटों पर होगी वोटिंग, अखिलेश ओवैसी समेत कई दिग्गजों के प्रतिष्ठा दांव पर। प्रधानमंत्री मोदी का मिशन पश्चिम बंगाल, बैरकपुर, हुगली और हावड़ा में की जनसभा, मुस्लिम आरक्षण को लेकर कांग्रेस पर बरसे, रामनवमी की पूजा को लेकर टीएमसी पर किया प्रहार। कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में अमित शाह की चुनावी रैली, गांधी परिवार पर बोला हमला, कहा कि रायबरेली को विकास से दूर रखा गया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायकों की बैठक, सीएम अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक, चुनाव को लेकर रणनीति बनी। मुख्यमंत्री वज्रलाल शर्मा के महाराष्ट्र दौरे का तीसरा दिन, मुंबई में जैन समुदाय के उद्यमियों से किया संवाद, मीडिया से मुखातिब हुए, कहा कि राजस्थान में एक बार फिर से हैट्रिक लगेगी। राजस्थान में चिकित्सा विभाग का नवाचार, मौसमी बीमारियों की ओडीके ऐप से होगी मॉनिटरिंग, बचाव और रोकथाम के लिए उठाए जा रहे कारगर कदम। जोधपुर के मोगरा में मुंबई पुलिस की छापेमारी, करीब 104 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की गई, मोगरा से मुंबई में होती थी ड्रग्स की सप्लाई। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान, जयपुर में किया 200 किलो से ज्यादा नकली पनीर नष्ट, दो आरोपी गिरफ्तार। दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा, 3 लोगों की मौत, अहमदाबाद से हरिद्वार जा रही थी कार सवार। खैरतल में मां बेटे का रिश्ता फिर हुआ शर्मसार, बेटे ने पिता की लोहे की डंडे से 20 सड़क पर पीटे, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। नीमका थाना के बाटन में सड़क हादसे में घायल असम राइफल्स के जवान के इलाज के दौरान मौत हो गई, पत्रिकाओं हरिपुरा में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। झुंझुनू कलेक्टर ने शहर की जल आपूर्ति व्यवस्था का किया निरीक्षण, कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने बाकरा रोड पर स्थित विभिन्न वार्डों के घरों में जाकर पानी का प्रेशर का अवलोकन किया। कलेक्टर ने पीएचईडी के अधिकारियों को घरेलू पेयजल कनेक्शन का कमर्शियल उपयोग करने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बाड़मेर में देहदान महादान, दूसरों की जिंदगी बचाने के संकल्प में 57 वर्षीय पीरा राम ने किया देहदान, पीरा राम ने मदर्स डे से एक दिन पहले किया देहदान। राजकीय अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर बीएसबीएल मंसूरिया ने कहा कि देहदान की मदद से एक इंसान कई लोगों को जीने की वजह दे सकता है। फलोदी कलेक्टर एचएल अटल ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, निरीक्षण के दौरान 4 डॉक्टर्स अनुपस्थित पाए गए, कलेक्टर ने सीएमएचओ को 4 डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए। फलोदी एसडीएम सुनील पवार ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बावड़ी खुर्द का निरीक्षण किया, निरीक्षण के दौरान सभी कार्मिक मौजूद रहे, केंद्र के बाहर सफाई व्यवस्था सही नहीं पाए जाने पर व्यवस्थाओं में सुधार करने के निर्देश दिए गए। फलोदी के बाप उपखंड की ग्राम पंचायत उदड नरेगा योजना में हो रहा भारी भ्रष्टाचार, ग्रामीणों ने एकत्रित होकर निष्पक्ष जांच करने और समय रहते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। फलोदी में ऑपरेशन ललन टॉप के तहत हुई कार्रवाई के दौरान कई खुलासे, आईजी रेंज जोधपुर विकास कुमार ने जानकारी दी, ऑपरेशन ललन टॉप के तहत पकड़े गए कुख्यात इनामी आरोपियों का नक्सलियों से संबंध था। बाड़मेर में बदमाशों ने एक युवक का दिन दहाड़े अपहरण किया, घटना की गंभीरता को देखते हुए बाड़मेर पुलिस अधीक्षक भी धोरीमन्ना थाना क्षेत्र पहुंचे और अलग अलग टीमें बनाकर आरोपियों का पीछा किया, पुलिस ने अपहृत युवक को दस्तियाब कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बाड़मेर के सरहदी बीजवाड़ थाना क्षेत्र में युवक के साथ मारपीट कर अमानवीय कृत्य करने का मामला, पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पाली के देसूरी में पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के बाद अचानक मौसम में बदलाव आया, बारिश के साथ ओले गिरे, बरसात के साथ तापमान में गिरावट के साथ मौसम भी सुहावना हो गया। देसूरी में सीमेंट के पाइपों से भरा ट्रक देसूरी घाट के पंजाब मोड़ पर ब्रेक फेल होने से पलट गया, हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, सूचना पर चारभुजा पुलिस मौके पर पहुंची और घायल ट्रक चालक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पाली के वाली छाना परिसर में मातृ दिवस पर प्याऊ का उद्घाटन किया गया, भामाशाह की तरफ से प्याऊ का उद्घाटन किया गया, भामाशाह ने कहा कि बाली कांस्टेबल की प्रेरणा से मानव सेवा करने का अवसर मिला। देसूरी के सारणी नगर में चमत्कारी राजा बाण मेल्डी मां राजा धाम का 2 दिवसीय मेला आयोजित किया गया, जिसमें महाप्रसादी भजन संध्या आयोजित हुई, सैकड़ों भक्तों ने धाम पहुंचकर पूजा अर्चना कर अपने परिवार की खुशहाली की कामना की।
श्रीगंगानगर में लोकसभा चुनाव के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों में अपराधियों, मादक पदार्थों और धनबल की आवाजाही को रोकने को लेकर बैठक हुई। इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन बैठक में श्रीगंगानगर, फाजिलका और हनुमानगढ़ जिले की प्रशासनिक पुलिस अधिकारी शामिल हुए। नागौर के जिला खेल स्टेडियम में 5.5 करोड़ की लागत से बन रहा इंडोर खेल हॉल, 2.79 करोड़ की लागत से बनेगा यूथ हॉस्टल। जिला कलेक्टर ने किया निरीक्षण, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच कर संबंधित फर्म को उच्च गुणवत्ता से निर्माण कार्य करने के निर्देश दिए। नागौर के मुड़वा में स्काउट गाइड, रोवर रेंजर, यूनिट लीडर बेसिक कोर्स प्रशिक्षण शिविर हुआ आयोजित। 9 से 15 मई तक श्री वागीश्वरी विद्या मंदिर में हुआ आयोजन। पेयजल स्रोत लाखोलाव सरोवर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रशिक्षकों ने दी कई जानकारियां। रियाबड़ी में बीजेपी किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष मदनलाल गौरा को बीजेपी लोकसभा चुनाव में हरियाणा के हिसार में बरवाला की जिम्मेदारी दी गई। मदनलाल गौरा बीजेपी को विजय बनाने के लिए 25 मई तक हिसार लोकसभा में बरवाला में प्रवास पर रहेंगे। डिडवाना में मौलासर थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, गांव के एक व्यक्ति के साथ गंभीर रूप से मारपीट करने के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी पर पुलिस कमांडो शहीद कुमाराम पर फायरिंग का आरोप है। नागौर के जैलन अस्पताल में जच्चा बच्चा की मौत मामले में कार्रवाई, चिकित्सा विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एक चिकित्सक को निलंबित किया है, एक अन्य डॉक्टर को ईपीओ किया है। डिडवाना में पश्चिमी विक्षोभ का असर, मौसम में बदलाव हुआ है। जिला मुख्यालय स्थित आसपास के क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, आपदा विभाग द्वारा नागरिकों को सूचना देकर किया गया था सतर्क। ब्यावर में विश्व नर्सेस दिवस और नर्सिंग सेवा को समर्पित फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर कार्यक्रम राजकीय अमृत कौर अस्पताल में हुआ आयोजन। लारदू में नर्स डे पर किया गया पौधारोपण, बादेड़ गांव में सब सेंटर में कार्यरत नर्स मरीजों के साथ मिलकर लगाती हैं पेड़ पौधे। श्री जडिया पंचायत समिति ब्यावर की तरफ से श्री गंगा मैया माता मंदिर का 40वां वार्षिक उत्सव और 18वां सामूहिक विवाह सम्मेलन के तहत 4 दिवसीय विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत पंचायत समिति की तरफ से शहर के कॉलेज रोड जडिया कॉलोनी स्थित अद्वैत आश्रम के एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर के दौरान बड़ी संख्या में समाज बंधु मौजूद रहे। बारां के अंत में पुलिस ने हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से अवैध देसी कट्टा सहित 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। आरोपी पर कई थानों में चोरी और लूट के 16 मामले दर्ज है। झालावाड़ की कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अपहरण और लूट के 3 आरोपी किए गए गिरफ्तार। लूटी गई 39,000 नकदी भी बरामद की गई। लूट के काम में ली गई 2 बाइक को भी जब्त किया गया। कोटा के रामपुरा कोतवाली इलाके में 4 दिन पहले गैंगवार में हुई युवक की हत्या के दौरान घायल हुई मां ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। आरोपी को गिरफ्तारी नहीं होने पर परिजनों में आक्रोश है। झालावाड़ में पनवाड़ के मोहनपुरा गांव में 4 बदमाशों ने महिला पर जानलेवा हमला कर दिया है। शादी समारोह से लौटते समय महिला पर हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। झालावाड़ के जावर थाना क्षेत्र में हुआ हादसा, मंदिर में पट्टियां चढ़ाते समय हादसा हुआ। पट्टियां खिसकने से 3 लोग घायल हो गए, एक की हालत गंभीर, घायल का अस्पताल में इलाज जारी। झालावाड़ में सामर्थ्य सेवा संस्थान की तरफ से भामाशाह सम्मान और दिव्यांगजन सशक्तिकरण समारोह हुआ। आयोजित कार्यक्रम में भामाशाहों का सम्मान किया गया। समर्थ सेवा संस्थान 10 सालों से दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सिद्धांतों पर कार्यरत है। भीलवाड़ा कलेक्टर ने नेहरू उद्यान, राजीव गांधी ऑडिटोरियम, इंदिरा गांधी सामुदायिक भवन सहित अन्य स्थलों का किया औचक निरीक्षण। शहर के सौंदर्यीकरण कार्यों में प्रगति लाने और कार्यों में गुणवत्ता का ध्यान रखने के निर्देश दिए। राजसमंद के कई क्षेत्रों में भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। जिले के नाथद्वारा और कुंभलगढ़ क्षेत्र में कई जगह हुई जमकर बारिश। बारिश के दौरान ओलावृष्टि भी हुई जिससे तापमान में कुछ गिरावट दर्ज की गई। चित्तौड़गढ़ एसीबी ने गुरुग्राम के हेड कांस्टेबल पर दर्ज की 0 FIR। आरोपी को छोड़ने के एवज में हेड कांस्टेबल राजेश कुमार से ने मांगी थी रिश्वत, 70,000 रुपए और 50,000 रुपए में बनी थी सहमति। राजसमंद के नाथद्वारा पहुंचे यज्ञ आचार्य पंडित हवादत कौशिक महाराज। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनका न्यू कॉटेज में स्वागत किया। संत हवादत महाराज ने बताया कि वेद पाटी विद्यालय में निःशुल्क वेद पाठ्यक्रम सिखाया जाता है। प्रतापगढ़ के धमोतर में चल रही 9 दिवसीय भागवत कथा का हुआ समापन। बैंड बाजों के साथ निकाली गई शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। विप्र फाउंडेशन और तिवारी परिवार के सहयोग से भागवत कथा का आयोजन किया गया था। प्रतापगढ़ में नर्सिंग एसोसिएशन की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस की पूर्व संध्या पर कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। जिला अस्पताल से तिरंगा चौराहे तक निकाले गए मार्च में बड़ी संख्या में नर्सिंग कर्मी शामिल हुए।
बांसवाड़ा में गढ़ी के नवयोग मंडल गार्डन में 10 दिवसीय निःशुल्क योग शिविर का आयोजन। योग गुरु छगनलाल गहलोत ने योग करने वाले लोगों को योग से होने वाले फायदे बताए, साथ ही सभी बीमारियों के लिए अलग अलग योग और प्राणायाम भी सिखाए। धौलपुर जिले के बाड़ीसदर थाना क्षेत्र के NH11B पर सुनीपुर गाँव के पास सड़क किनारे खड़ी बोलेरो गाड़ी से एक अनियंत्रित कार भिड़ गई, जिससे कार सवार एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, वहीं 4 अन्य घायल। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में खेड़ली रपट के पास पैदल चल रहे एक युवक को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। घायल हुए युवक को परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। लूटपाट की घटनाएं देखी जा रही है। हरसोता गांव के पास कार सवार अज्ञात लोगों ने एक व्यक्ति से लूटपाट कर मोबाइल और 23,000 रुपए लूट लिए। आरोपियों ने लाठी डंडे और लोहे के सरिये से पीड़ित के साथ मारपीट की और बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार। जयपुर में पीएम श्री संदर्भ शक्ति क्षमता समर्थन कार्यशाला आयोजित की गई। आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक अविचल चतुर्वेदी ने कार्यशाला को संबोधित किया। अलवर में कलियुग के बेटे और बहू ने पिता को बंधक बनाकर पूरे शहर में घुमाया। पीड़ित ने अरावली बिहार थाने में मामला दर्ज करवाया। पीड़ित ने बताया कि बेटे ने सरकारी नौकरी की चाहत में मुझे डराने के लिए जान से मारने की कोशिश की। अलवर में हिंदू भाईचारे की मिसाल कायम हुई। हिंदू विधवा महिला के 2 बेटियों की शादी में भात भरने पहुंचे मुस्लिम समाज के लोग, 24,000 रुपए भात में नगद और परिवार के लोगों की पहरान भी की। अलवर के राजगढ़ में अवैध खनन की रोकथाम के लिए वनकर्मी की कार्रवाई और रैणी थाना क्षेत्र के उकेरी में वनकर्मियों के साथ हुई मारपीट के बाद एक्शन। अवैध खनन के रास्ते में गहरी खाई खोदकर किया मार्ग अवरुद्ध, आगे की कार्रवाई जारी। अलवर के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के रत्नावार गांव में 5 वर्षीय बच्चा थार गाड़ी की चपेट में आ गया। हादसे में बच्चे के इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक बच्चा शिवान दाऊदपुर निवासी था, जो अपने मौसेरे भाई की बारात में गोविंदगढ़ के रत्ना गांव गया था। अलवर में महीने भर से वेतन नहीं मिलने के कारण सफाई कर्मचारियों ने नगर परिषद पहुंचकर प्रदर्शन किया। सैलरी नहीं मिलने पर सभी नगर परिषद कर्मचारियों ने आक्रोश व्यक्त किया। अलवर के कठुमर थाना क्षेत्र के कांकरोली गांव के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 2 महिला सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 3 घायलों का सामान्य अस्पताल में इलाज जारी। जयपुर के फुलेरा जंक्शन पर यात्रियों के लिए निःशुल्क शीतल जल सेवा का शुभारंभ। दैनिक रेल यात्री महासंघ की तरफ से सेवा शुरू की गई। अलवर के सामान्य अस्पताल में मरीजों के परिजनों ने महिला गार्ड से मारपीट की। एक गेट के पास से 3 लोगों के अंदर जाने की कोशिश की जा रही थी। मरीज से मिलने आए परिजन महिला गार्ड के रोकने पर हाथापाई की गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। सांगानेर में गुस्साई 10 नामी हितकारिणी समिति के आध्याय गुरु शंकराचार्य जयंती समारोह, समाज के प्रतिभाओं का सम्मान, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सांगानेर में आध्याय गुरु शंकराचार्य जयंती समारोह पर गुस्साई 10 नामी हितकारिणी समिति ने पक्षियों के लिए दाना और पीने के लिए 501 परिंडे वितरण किए। परिंडे में नित्य दाना पानी के लिए लोगों ने जिम्मेदारी दी। झालावाड़ की रायपुर पुलिस ने मोबाइल शॉप से हुई एंड्रॉइड मोबाइल चोरी की वारदात का खुलासा किया है। SP ऋचा तोमर ने बताया कि SHO महावीर प्रसाद की अगुवाई में गठित टीम ने कार्रवाई की है। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी का मोबाइल भी बरामद किया है। बांसवाड़ा में प्रवासी पक्षियों का डेरा। माही बांध पर राजहंस ने डाला डेरा। राजहंसों की उड़ान प्रकृति प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी। ब्यावर में श्री नाकोड़ा बटुक भैरव परिवार की तरफ से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। राजकीय अमृत कौर अस्पताल में चल रही रक्त की कमी को देखते हुए शिविर आयोजित किया गया। रक्तदाताओं ने 150 यूनिट रक्त पीड़ित मानव की सेवार्थ इसके लिए समर्पित। भीषण गर्मी में पक्षियों की प्यास बुझाना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। लाड़नू में विद्यालय विकास समिति के तत्वाधान में विद्यालय परिसर में परिंडे बांधे गए। अलवर में किराए पर रूम देने वाले मकान मालिकों से SP आनंद शर्मा ने की अपील। घरेलू नौकरों और किराएदारों का वेरिफिकेशन नजदीक के थाने में देने की अपील। SP ने कहा कि पुलिस का डोर टू डोर सर्वे करने का प्रोसेस, लेकिन मकान मालिक भी इसके लिए जिम्मेदार। बालोतरा के अंदर मुल्तानी मिट्टी से भरे ट्रक से गुजरात ले जाए जा रही अवैध शराब पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने ट्रक से विभिन्न ब्रांड्स की 40 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की। राजसमंद के नाथद्वारा के सुखाड़िया नगर में रसोई में भपका सिलेंडर। एक बच्चे सहित 3 लोग झुलसे। पड़ोसियों और रिश्तेदारों की मदद से अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्राथमिक इलाज के बाद उदयपुर रेफर किया गया।
पाली के देवसूरी में ही आईजी कॉम्प्लेक्स में किराए के मकान में रहने वाले इंदर कुमार ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामला दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी। जैसलमेर के भनियाना में पेस्टिसाइड दवा के छिड़काव का चारा खाने से 9 भेड़ों की मौत हो गई, कई भेड़े बीमार हो गई। सूचना पर वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र के ओसवाल स्कूल के पास गुलाब बाग में बाइक को साइड नहीं मिलने पर कार चालक से मारपीट करने का मामला। मारपीट से घायल कार चालक को इलाज के लिए सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। चूरू के रतनगढ़ में चोरों ने घर पर धावा बोला, नकदी और गहनों पर किया हादसा। 45,000 की नकदी और 30,000 के गहने चोरी हुए। घटना के बाद रतनगढ़ पुलिस ने किया मौका मुआयना। डिडवाना में मौलासर ब्लॉक के बांसा गांव में गिरी आकाशीय बिजली, निर्माणाधीन मकान पर बिजली गिरने से मकान का हिस्सा ढहा। क्षेत्र में तेज बारिश आंधी से उजड़े पशुओं के आशियाने। ब्यावर में महावीर इंटरनेशनल डायमंड संस्थान में विश्व मातृ दिवस और विश्व नर्सिंग दिवस मनाया गया। साकेत नगर स्थित महावीर इंटरनेशनल चिकित्सा सेवा केंद्र पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डिडवान में श्री आदर्श सरस्वती सेवा समिति द्वारा नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन। शिविर में 75 मरीजों की जांच की गई, चिन्हित मरीजों को लेंस प्रत्यारोपण किया जाएगा। बांसवाड़ा में कुशलगढ़ के शीतला माता मंदिर में हुई चोरी, अज्ञात चोरों के खिलाफ पुलिस ने कराया मामला दर्ज। कांच के कैबिन का ताला तोड़कर चांदी का मुकुट और चांदी के बाल गोपाल लेकर फरार हो गया। बांसवाड़ा के छींक में ग्राम प्रशासन ने लोगों को राहत देते हुए और धूल और कीचड़ से मुक्ति दिलाने के लिए प्रमुख मार्गों पर सीमेंटेड ब्लॉक लगाने का कार्य शुरू किया। सरपंच कीर्तिका गोविंद दायमा ने बताया कि गंदगी से मुक्त गांव बनाना हमारी पंचायत का प्रमुख लक्ष्य है। राजसमंद के नाथद्वारा में स्थित पुष्टि मार्गीय प्रधान पीठ प्रभु श्रीनाथ जी की हवेली स्थित मोती महल चौक में सावन भादो का मनोरथ हुआ। मनोरथ के दर्शन करने के लिए देश विदेश से आए भक्तों सहित स्थानीय श्रद्धालुओं की भीड़ रही। राजसमंद के नेशनल हाईवे 8 पर भगवानदा खुर्द के पास ट्रेलर ने बाइक को चपेट में ले गया। हादसे में दंपत्ति की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर कीरवा और राजनगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। दोनों पति पत्नी के शव को मोर्चर में रखवाया गया। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस पर मनाई नर्सिंग की जन्मदात्री फ्लोरेंस नाइटिंगल की जयंती। बीकानेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल पीबीएम में फ्लोरेंस नाइटिंगल जयंती समारोह का आयोजन। बैरोड में 3 युवकों ने युवक को अर्धनग्न कर मारपीट की, मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ। उधारी के पैसे नहीं देने पर मारपीट की गई। झालावाड़ के कानपुर क्षेत्र की बाघेर घाटी में लगातार 2 दिनों से रात्रि के समय पत्थरबाजी कर लूट की वारदात की, फिराक में बदमाश नजर आने लगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज पर खबर प्रसारित करने के बाद सीआई सत्यनारायण मालव ने गश्ती दल वाहन की बाघेर घाटी में आवाजाही बढ़ा दी। प्रतापगढ़ में पुलिस ने राहगीरों से मोबाइल लूट मामले में एक गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके 5 नाबालिग साथियों को डिटेन किया है। प्रतापगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस के मौके पर पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। नर्सिंग एसोसिएशन की तरफ से आयोजित किए गए जिला स्तरीय कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नर्सिंग कर्मी और नर्सिंग विद्यार्थी मौजूद रहे। अलवर के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के रत्ना गांव में बारात की चढ़ाई के समय 5 वर्षीय बालक कार की चपेट में आ गए। बच्चे को सामान्य अस्पताल पहुंचाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जोधपुर में पुश्तैनी जमीन को लेकर 2 परिवार के बीच चल रहा विवाद हत्या में बदल गया। नशे की हालत में देवर ने अपनी भाभी और भतीजे पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर घायल कर दिया। दोनों को अस्पताल में भर्ती किया गया जहां महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उदयपुर की सायरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पत्नी की हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी पति को गिरफ्तार कर गोगुंदा न्यायालय में पेश किया गया। प्रतापगढ़ शहर में यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए एसपी लक्ष्मण दास के निर्देशन में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान दूसरे दिन भी जारी रहा। यातायात पुलिस कर्मियों ने कई स्थानों से अतिक्रमण हटाए। बालोतरा में डीएसटी और समदड़ी पुलिस की डोडा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, नाकाबंदी पर डोडा पोस्ट से भारी स्कॉर्पियो पकड़ी गई। गाड़ी से 5 क्विंटल 23 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया गया। उदयपुर के गोगुंदा में बड़गांव थाना क्षेत्र के लोसिंग तालाब में युवती का शव मिलने से फैली सनसनी, मौके पर पहुंचा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मेरठ शहर के जतरान रोड स्थित गोस्वामी समाज भवन में जगत गुरु शंकराचार्य की जयंती मनाई गई। इस दौरान गुरु शंकराचार्य की तस्वीर पर माला और पुष्प चढ़ाकर पूजा अर्चना की गई। राजगढ़ के गोविंद देव जी बाजार स्थित ब्राह्मण धर्मशाला में भगवान परशुराम जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। ब्राह्मण समाज की तरफ से बैंड बाजों के साथ भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। जयपुर स्थित मानसरोवर में भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा आरआर नगर से निमड़ी वाले बालाजी तक निकाली गई।
समदड़ी के खरटिया मठ में आयोजित जूना अखाड़े के अखिल भारतीय संत सम्मेलन में धूमधाम से मनाई गई शंकराचार्य जयंती। खरटिया मठ के महंत किशन भारती को पीर की पदवी से सम्मानित किया गया। बालोतरा में विश्व नर्सिंग दिवस रंगारंग कार्यक्रम के साथ मनाया गया। सराहनीय सेवा देने वाले नर्सिंग कर्मी सम्मानित हुई। जिला स्तरीय समारोह में सीएमएचओ डॉक्टर बाकाराम चौधरी रहे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। प्रतापगढ़ के योग भवन में परीक्षा मुक्ति विद्यार्थी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को नगर परिषद तरण ताल में जल अटखेलियां भी करवाई गई। साथ ही व्यायाम प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। राजसमंद की देलवाड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बाइक चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। 3 छाती चोर गिरफ्तार किए गए, चोरी की 15 बाइक भी बरामद की गई। उदयपुर में बुजुर्ग महिलाओं से नत लूटने का मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। डीएसपी मनीष कुमार के नेतृत्व में जिला स्पेशल टीम ने कार्रवाई की। वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अलवर में कलियुगी मां के करतूत, बच्ची को पालना गृह में छोड़कर चली गई। जिला शिशु अस्पताल का मामला, नवजात बच्ची प्रीमेच्योर, FBNC वार्ड में शिफ्ट कर डॉक्टर्स की निगरानी में बच्ची को रखा गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।